अक्सर पुलिस के कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि क्राइम सीन पर पुलिस तभी पहुंचती है जब क्राइम हो जाता है। खैर, इस बार मुंबई पुलिस की एक पॉजिटिव खबर सामने आई है जिसकी चर्चा तो बनती है। दहीसर ईस्ट के एक अपार्टमेंट से 42.48 लाख रुपए का सोना लूटने वाले चोरों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के ऑफिसर पोस्टमैन और फल बेचने वाले बनकर नोएडा और दिल्ली में चक्कर लगाते रहे। आखिरकार हाल ही में उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें अभी भी लगी हुई हैं। पुलिस के जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने आपस में बातचीत करने के लिए 97 अलग अलग सिम कार्डों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को मिशन अलीबाबा नाम दिया था। अलीबाबा के रूप में अपना नाम दर्ज किया था। एक खबर के मुताबिक दिसंबर 2021 में दहीसर ईस्ट में एक व्यवसायी के आवास पर चोरी की सूचना मिली थी। आरोपियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस ने 167 कैमरों के फुटेज के अलावा 97 सिम कार्ड के कॉल डेटा रिकॉर्ड की छानबीन की थी। पुलिसकर्मियों की टीमों ने तकनीकी सुराग के आधार पर दोषियों की तलाश के लिए यूपी में अमरोहा और बिजनौर का चक्कर लगाया। इन लोगों का पता लगाने वाले अधिकारियों में से एक ने तो दिल्ली की गलियों में आरोपियों की तलाश करने के लिए एक डाकिये का भेष बना लिया। एक दूसरे पुलिसकर्मी ने फल विक्रेता का भेष बनाया और नोएडा में आरोपियों की तलाश की। ग्रेटर नोएडा में आरोपियों के छिपे होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद ली और उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलमान अंसारी, हैदर अली सैफी और खुशाल वर्मा के रूप में हुई है। इनके पास से 18 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है।